दोस्तों आज हम कोहा का लेटेस्ट वर्जन 20.05 को उबंटू में कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और बहुत ही इजी कमांड्स के साथ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने उबंटू सिस्टम का टर्मिनल ओपन करना है और फिर आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी और इन कमांड्स की हेल्प से हम लोग इजीली कोहा का लेटेस्ट वर्जन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको कमांड्स को कॉपी करना है और वन बाय वन रन करना है। सबसे पहले आपको रूट में लॉगिन कर लेना है, तो कमांड लिखना है सूडो स्पेस su। रूट में लॉगिन होने के बाद आपको कमांड रन करनी है apt get update, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देगा। उसके बाद में आपको कमांड रन करनी है apt get upgrade। तो उसके बाद आपको कोहा की रिपोजिटरी ऐड करने के लिए ये कमांड रन करनी है। सिंपली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट कमांड आपको रन करनी है, ये सिर्फ आपको केयरफुली इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। फिर आपको एक बार अपडेट की कमांड रन कर देनी है। नेक्स्ट आपको कोहा इंस्टॉल करने के लिए कमांड रन करनी है, वाई प्रेस करके एंटर कर देना है। कोहा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हम इसका पोर्ट चेंज करेंगे। पोर्ट चेंज करने के लिए आपको कमांड रन करनी है ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके एंटर करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना इसका पोर्ट चेंज कर सकते हो। फिर आपको इसको फाइल को सेव करके क्लोज कर देना है। पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग MariaDB सर्वर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको ये कमांड रन करनी है, MariaDB नेक्स्ट आपको ये वाली रन करनी है। नेक्स्ट ये आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा। इसमें आपको एक सिक्योर पासवर्ड देना है। इसमें आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो पासवर्ड शो नहीं होता है। सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको वाई में देना है। MariaDB डेटाबेस सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। नेक्स्ट आपको कमांड रन करनी है। वन बाय वन ये सारी कमांड्स आपको रन करनी है स्मूथली। और इन कमांड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कोहा का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब हम कोहा के लिए पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए कमांड रन करनी है आपको, ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये लिसन 80 मिलेगा, इसी के नीचे आपको लिसन 8099 आपके स्टाफ क्लाइंट के लिए पोर्ट टाइप कर देना है,
ओपेक के लिए आपका डिफॉल्ट 80 पोर्ट रहेगा, सेव करके क्लोज कर देना है। एंड नेक्स्ट आपको अपाचे सर्वर रिस्टार्ट कर लेना है। ये सारी कमांड्स आपको वन बाय वन रन करनी है। एंड नेक्स्ट आपको कोहा का डिफॉल्ट मास्टर पासवर्ड गेट करना है, उसके लिए ये वाली कमांड रन करनी है आपको। ये एक कोड मिलेगा यहाँ पे आपको, एक्चुअली ये मास्टर पासवर्ड है, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। एंड नेक्स्ट आपको ये कमांड रन करनी है। आपका कोहा इंस्टॉल हो गया है, अब हम कोहा को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है और ये वाला लिंक एक्सेस करना है। ये जैसे ही लिंक एक्सेस करेंगे अपने ब्राउजर में, तो आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपको यूजर नेम डालना है कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी, और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड गेट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो डालना है, हमने यहाँ पे कॉपी करके रखा था, यहाँ पे उसको पेस्ट करना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट है, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये डिपेंडेंसी का पूछ रहा है कि पर्ल मॉड्यूल मिसिंग, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये एरर मैसेज शो हो तो सिंपली आपके टर्मिनल में जाना है और आपको एक कमांड रन करनी है, जो हमने यहाँ पे दे रखी है ये वाली एक कमांड है, इसको आपने रन कर देना है। यहाँ पे ये कमांड पेस्ट करके एंटर करना है, यस टाइप करके एंटर कर देना है, तो ये आपके मिसिंग जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम फिर से ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रीचेक डिपेंडेंसीज पे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये दिखा देगा कि ऑल रिक्वायर्ड पर्ल मॉड्यूल्स अपीयर टू बी इंस्टॉल्ड, को क्लिक करना है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। ये आपके डेटाबेस की डिटेल्स हैं, देन कंटिन्यू, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, देन कंटिन्यू, कंटिन्यू, डेटाबेस टेबल्स क्रिएटेड, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको मार्क फॉर्मेट चूज करना है, हम लोग Mark 21 ही यूज करते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करेंगे इंपोर्ट, ये डेटा लोड हो गया है। सेटअप सम को बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने लाइब्रेरी का नाम दे सकते हो, सबसे पहले कोड देना है, तो जैसे CL,
लाइब्रेरी का नाम जो भी आप देना चाहो। यहाँ पे आपको कैटेगरी पैटर्न की कैटेगरी क्रिएट करनी होगी, तो मैंने स्टाफ दे दिया रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप एनरोलमेंट पीरियड दे सकते हो। यहाँ पे आपको एक आपके कोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करना होगा। मैंने एडमिन में डाल दिया सिस्टम, कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है एडमिन और यूजर नेम भी एडमिन। पासवर्ड में आप कोई भी एक पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर सबमिट, यहाँ पे आपको सर्कुलेशन रूल्स डिफाइन करने हैं। सबमिट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव फिनिश्ड एंड आर रेडी टू यूज कोहा, स्टार्ट यूजिंग कोहा। ये आपके कोहा की लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आपने जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट किया था उससे लॉगिन करना है। ये देखिए कोहा इंस्टॉल हो गया है। अभी हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे कोहा का 20.05 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ओपैक चेक करेंगे। ओपैक के लिए आपको ये लिंक कॉपी करना है यहाँ से और के ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ओपैक भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप वेरी इजीली कोहा का वर्जन 20.05 इंस्टॉल कर सकते हो अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जो भी कमांड्स हमने रन की है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।